हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपके साथ शेयर करेंगे गोटी की लेस बनाना, जिसे आप बिना सुई धागे की हेल्प से भी बना सकती है और सुई धागे से भी बना सकती है। तो दोनों ही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैंने गोटा लिया हुआ है वो गोल्डन कलर का गोटा है, मीडियम साइज का। ये गोटा मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है, ओनली 10 रुपीज इसकी कॉस्ट होती है और ये मैनी मैनी कलर्स में अवेलेबल है। तो आप जिस कलर का चाहे यूज कर सकती है। और गाइस, ये जो गोटे के फ्लावर्स लेसेस जो होती है, इससे आप अपनी कुर्ती, अपनी ड्रेसेस, अपने राजपूताना वेस, अपनी साड़ी, काफी चीजों को डिजाइन कर सकती है और वो भी बहुत ही कम कीमत में। सो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये गोल्डन लेस है। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। सबसे पहले एक टुकड़ा कट कर लेते हैं हम इसमें से। तो आप देख सकते हैं मैंने टुकड़ा कट कर लिया है इस तरीके से। सबसे पहले यहां से भी हमें इसे कट करना है। अब यहां पर देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से नॉट बांध दीजिए यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सुई धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नॉट बन चुकी है, इस नॉट को टाइट कर दीजिए। और अगर आपके पास नीडल और थ्रेड अवेलेबल है तो इन दोनों मुंह को अच्छे से हम पैक करेंगे। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता देती हूं, आपके पास जैसा अवेलेबल है आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं सुई और धागे से इसके मुंह अच्छे से पैक कर दूंगी। नोट लेते हुए पैक कीजिए ताकि ये अच्छे से खुले नहीं, इसके तार जो होते हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके से पैक कर रहे हैं। एंड इससे पहले कि लेसेस अगर आपने बनाना नहीं सीखी तो मैं सभी लेसेस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने गोटा से रिलेटेड सारी लेसेस आपको बनाना सिखाई हुई है, तो अगर आप एक बार जाना चाहते हैं, एक बार चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। कट करने के बाद इधर से भी हम इसे कट कर देंगे, या आप कट ना करें तो एंड में भी आप इसे कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए पैक हो गया है हमारा। अब आपको इसे ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से करते जाना है। हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, इसे हम इस तरीके से इसमें डालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर हैबिट होने के बाद में आप इजीली इसे कर पाएंगे। ये देखिए, एक बार हम इस तरफ से डालेंगे, फिर दूसरी बार इस तरफ से, फिर हम इस तरफ से लेंगे। देखिए जिस तरफ का लेंगे हम उसके अपोजिट साइड खींचेंगे इस तरीके से। अब हमें इस तरफ लेना है और इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से लेस बनती जाएगी हमारी, देख सकते हैं आप, मैंने खींच दी है। अब हम इधर से बनाएंगे। जिस तरफ की आप लेस बना रहे हैं उसके अपोजिट तरफ आपको खिंचाव रखना है। इस तरीके से लेस आसानी से क्रिएट होती जाएगी। फिर हमें इस तरफ से ले लेना है और इस तरफ से हम खींच देंगे इसे। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आप एक बार इस तरफ से लेंगे और एक बार इस तरफ से, इस तरीके से लेंगे, बस इसलिए इसमें इतना ही फोकस करना है आपको। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको और थोड़ी बनाकर दिखाती हूं। तो इस तरीके से मैंने यहां से कट कर दिया है और मैं बनाते बनाते एंड तक आ चुकी हूं। देख सकते हैं आप, उसके बाद हमारी एंड वाली प्रोसेस करनी है हमें तरीके से। अब हम इन्हें आपस में पैक कर देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लेस बनी है। पहले इसके मुंह पैक करना मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के खुले मुंह को हम इस तरीके से पैक कर देंगे।
इसलिए इससे आप काफी चीजों को डिजाइन कर सकती है। ये देखिए सकते हैं हमारी ब्यूटीफुल से लेस बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक भी बैक फ्रंट दोनों तरफ से ही बहुत ही प्यारा आता है। ये देखिए आप इसे जिस तरफ से चाहे उस तरफ से इस्तेमाल में ले सकती है और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसका फ्लावर भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से लेकर बहुत सारे। सो गाइस इस तरीके से मेरी लेस बनकर रेडी है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इस तरीके की लेस आप किसी भी साइज की गोटा से क्रिएट कर सकते हैं। आप पतले गोटे से भी बना सकती है लेकिन मोटा वाला जो आप गोटा लेंगे ना मीडियम साइज का उससे इसका लुक और उभर कर आएगा। आप देख सकते हैं ओवरऑल दोनों तरफ से इसका लुक बेस्ट है। सो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड चैनल पर न्यू है सब सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई चीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।